नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 48 घंटे में बिहार की राजनीति में वो काम होता नजर आया जिसको लंबे समय से संभाल करके किसी खास व्यक्ति ने रखा था और सबसे अंतिम पायदान पर खड़े उस वर्ग को एक पहचान दिलवाया था। इस पहचान को दिलाने वाले बिहार के कई नेता थे जो कई आंदोलनों से होकर के गुजरे थे और तब जाकर के उन्हें जनता का प्यार मिला था। ऐसे ही नेताओं में से एक रामविलास पासवान थे जिनका इंतकाल एक साल पहले हो चुका है। अभी साल ही नहीं पूरा हुआ लेकिन पार्टी में जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह का बवाल हुआ, अपने ही घर में जिस तरह का हंगामा शुरू हुआ और इस हंगामे के सूत्रधार कई लोगों को कहा जा रहा है, इस पूरे विषय पर आज एक गुत्थी सुलझी। और गुत्थी क्या सुलझी कि और विवादों में उलझ गया। एक तरफ चिराग पासवान का ये कहना है कि ये सारा चीज अनैतिक हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान को हटा करके अध्यक्ष बना दिया गया। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। धन्यवाद आपका। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ उससे आप भी अनजान नहीं है, क्या कुछ हुआ इसको कैसे देखते हैं आप? अचानक से चिराग को हटा करके पशुपति कुमार पारस को अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, ये बात तो हम लोग 2-3 दिनों से कह रहे हैं जी कि इस पूरे घटनाक्रम का स्क्रिप्ट एक अन्य मार्ग से लिखी गई है जी। और ये ठीक है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे और उनके गुजरने से अभी एक वर्ष भी नहीं हुए हैं जी। और जिस तरह से बीजेपी जेडीयू ने उनके बंगले में आग लगाई जी, उनके चिराग को बुझाने का प्रयास किया जी, ये दलित जो भाई हैं जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले जी, वो माफ नहीं करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी जी। क्योंकि ये ठीक है कि राजनीति में तो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये लग रहा था कि चिराग पासवान जी क्यों अलग अपने कैंडिडेट को दिए, वो बदला के तौर पर उन्होंने ये काम किया है जी। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, कल ही की घटना है जी, जिस टुन्ना पांडे ने सीधे नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े किए थे जी, उनको बीजेपी ने आईवास करने के लिए निलंबित किया जी, जेडीयू ने धमकी दिया था उंगली काट लेंगे जी। लेकिन कल के मीटिंग में संजय जायसवाल जी के साथ बीजेपी के मीटिंग में टुन्ना पांडे जी थे जी। अब जेडीयू बताए कि उनका उंगली काटने वाले धमकी का यही असर हुआ जी। तो ये सारा खेल जो भी हो रहा है जी, असली वारिस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में ही अपना वारिस श्री चिराग पासवान जी को बनाया जी। पशुपति पारस जी प्रस्तावक थे जी, जिन भाइयों को पुत्र के तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने राजनीति में लाया, उनको बढ़ाया जी, उन्होंने ही उनके घरों में आग लगाया जी। तो ये ठीक है, लेकिन अभी चिराग पासवान जी ने कहा है कि 5 सांसदों को हमने निलंबित कर दिया जी। और संवैधानिक तौर पर सांसद और विधायक तो पार्टी बनाती है, पार्टी अगर सिंबल नहीं देगी तो सांसद विधायक कहाँ से बने जी, जी। तो पार्टी पर, संगठन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री चिराग पासवान जी हैं जी। श्री चिराग पासवान जी ने पहले ही 5 सांसदों को निलंबित कर दिया है जी। अब आज जो भी लोग अध्यक्ष चुने गए हैं जी, ये तो संवैधानिक तौर पर सही प्रतीत नहीं होता है जी। बाकी तो चुनाव आयोग को काम करना है जी। ये ठीक है कि सरकार के दम पर लोकसभा में स्पीकर ने मान्यता दे दी जी, लेकिन चिराग पासवान जी ने भी स्पीकर को पत्र लिखा है जी। और स्पीकर साहब को भी, क्योंकि ये मामला न्यायालय में भी जाएगा, चुनाव आयोग के पास तो जाएगा ही जी। अभी तो कोई चुनाव होना नहीं है बिहार में जी, तो अभी आगे आगे बहुत खेल होना बाकी है। क्योंकि कल भी श्री चिराग पासवान जी ने कहा है कि राम और हनुमान का संबंध है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उनका जी। तो राम क्यों चुप है, या तो राम का हाथ है हनुमान के घर को उन्होंने लूटा या उनके घर में आग लगवाई है जी। अब ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने, क्योंकि इनका इतिहास रहा है खरीद फरोख तोड़ फोड़। पहले भी जब श्री नरेंद्र सिंह जी लोजपा के अध्यक्ष थे उस समय भी लोजपा को तोड़ा था जी, हमारे पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ा।
फिर अभी आप देखिए एलजेपी से एक विधायक जीते थे, बसपा से जीते थे, दोनों को मिला लिया जी। अब तीन नंबर की पार्टी जेडीयू है जी। अब बटोरन पार्टी बनकर रह गई है इधर का उधर का। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।